हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि री एग्ज़ाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास लगेंगे या क्लास इम्प्रूवमेंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन आप दे सकते हो टाइम, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करना है नवंबर दिसंबर जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये जो फॉर्म है ये आपका कॉलेज ही फिल करेगा, आपको ऑनलाइन फिल नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज के पास उनका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। तो हमें कॉलेज को विजिट करना है, तो कॉलेज के लिए यहाँ पे नोटिस है कुछ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म, यहाँ पे दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का, और टाइमिंग फॉर द फीस कलेक्शन 10 बजे से लेकर 12:45 तक। लेकिन ये डेट कब का है, ये 21 से लेकर 24 तक दिया गया है, और 26 से लेकर 28 तक का दिया हुआ है, ठीक है। ये दो डेट दिया गया है, ये दो डेट में आपको अपना फॉर्म लेना है और फीस जमा करना है, ये दो आपको काम करना है। अपने फॉर्म भी सबमिट करने हैं और फीस भी सबमिट करने हैं, 21 से लेके 24 और 26 से लेके 28, ये डेट दिया गया है कॉलेज का, ठीक है। अलग अलग कॉलेज के होंगे, यहाँ पे मैंने कॉलेज का निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। सेकेंड थिंग फीस है, फीस सबके लिए सेम होता है, फीस में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है टाइमिंग में चेंजेस होते रहते हैं। कॉलेज अपने अकॉर्डिंग बच्चे लोग को बुलाते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 चालू, तो इसके बेस पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो रिपीटर्स, प्राइवेट रिपीटर्स, स्टूडेंट्स फीस शेड्यूल दिया गया, और दूसरे साइड में आपको क्लास इम्प्रूवमेंट दिया गया है। रिपीटर्स एंड प्राइवेट स्टूडेंट के लिए आपको क्या क्या फीस, कितने फीस लगेंगे और कहाँ कहाँ पे फीस कितने आएंगे, वो यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि एग्ज़ाम फीस 400 है आपको, SOM दिया गया 10 रुपीज़, PC 10 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपीज़, फॉर्म फीस 10 रुपीज़, और एडमिन चार्जेस 25। तो कुल मिला के आपका टोटल हो जाता है 465 रुपीज़ आपको रिपीटर और प्राइवेट रिपीटर के लिए होगा। और जिसको क्लास इम्प्रूवमेंट करना है, देखिए क्लास इम्प्रूवमेंट मतलब जिसको अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करना है, बच्चा पास है फिर भी उनको लगता है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा इतने मार्क्स से, तो मुझे क्लास इम्प्रूवमेंट करना है, मार्क्स इम्प्रूवमेंट करना है, भले वो कोई भी ईयर का हो, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए फीस है 865 टोटल, जिसमें आपका एग्ज़ाम फीस है 800 रुपीज़, SOM 10 रुपीज़, PC 10 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन 10 रुपीज़, फॉर्म 10 रुपीज़, और एडमिट चार्जेस 25। यहाँ पे दिया हुआ है SYJC साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्स टू पे 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द ईच प्रैक्टिकल, यानी कि उनको प्रैक्टिकल के लिए 15 रुपया पे करना पड़ेगा, ईच प्रैक्टिकल यानी कि पर सब्जेक्ट पे आपको 15 रुपया पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर्स हो गया कि आपको कितना फीस पे करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो फर्स्ट वन दिया गया एग्ज़ाम फॉर्म ड्यूली फिल इन, ठीक है। तो आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म मिलेगा उसको फिल करना है प्रॉपर तरीके से, और उसका आपको हो सके तो जेरोक्स कॉपी भी ले लेना है, ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, इससे आपको फिल करना है, जिसमें इंक और जेल पेन नॉट अलाउड लिखा हुआ है, ओनली आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, और वो बॉल पेन होना चाहिए। इंक और जेल पेन से जो होता है कि जो उनके इंक होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, इसके बेस पे हमें ब्लैक पेन यूज़ करना होता है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली करके दिया गया है कि आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फ़ोटोशॉप ओपन भी है। नेक्स्ट वन दिया गया है फ़ोटो कॉपी ऑफ SSC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका जेरोक्स चाहिए आपको। अगर आप 10th में है तो उसका चाहिए, कॉलेज में हो तो कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट का चाहिए। फ़ोटो कॉपी ऑफ SSC मार्कशीट, फ़ोटो कॉपी ऑफ FYJC मार्कशीट फॉर द रेगुलर रिपीटर स्टूडेंट्स, फ़ोटो कॉपी ऑफ HSC मार्कशीट, फ़ोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी ऑल्सो, ठीक है, इसमें दोनों का आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे फ़ोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 10th वन पे दिया गया है आपको फ़ोटो कॉपी ऑफ EC सर्टिफिकेट फॉर प्राइवेट रिपीटर स्टूडेंट्स। EC मतलब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको 11th पॉइंट में दिया गया है फ़ोटो कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो 10th वन में था वो प्राइवेट के लिए था, ठीक है, और जो आप रेगुलर या जिनका रिपीटर्स एग्ज़ाम से उनके लिए भी ये एलिजिबल सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट दिए गए, ये आपको कैरी करना है अपने कॉलेज में जाने के पहले, ताकि आप उनका फ़ोटो कॉपी कर लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए फॉर्म फिल करते समय। कॉलेज वाले आपके फॉर्म फिल कर देंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, कॉलेजेस वाले फॉर्म फिल करके आपको देंगे। और जिस कॉलेज में बोला जा रहा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये रॉन्ग है,
आपको अपने तरफ से कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, बिकॉज कॉलेज का यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज क्या करता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है। ठीक है, यहाँ पे नोट दे सकते हो, स्टूडेंट शुड फिल द फॉर्म बाय ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक बॉल पेन। और सेकेंड वन गिवन है, फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर अबव मेंशन डेट। तो आपको जो डेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे बस इतने बताना है कि आपके पास फीस क्या होंगे, टाइम क्या होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।